एवरीवन नमस्ते एंड प्रॉब्लम प्रॉब्लम इज लाइक ईयर डॉप या बोलो या ये जो होता है ना ईयरफोन, ये दोनों कोई सा भी ब्रांड स्पेशली फॉर बोट अगर प्रॉब्लम देता है लाइक इसमें चार्ज नहीं ले रहा है या दोनों में या किसी एक में आवाज़ नहीं आ रहा है, ठीक है, एक में आवाज़ दे रहा है एक में आवाज़ नहीं दे रहा है या दोनों में आवाज़ नहीं दे रहा है, देन क्या इसका सॉल्यूशन है, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसमें चार्ज नहीं ले रहा है दैट मीन्स आपका ये जो पोर्ट है ख़राब हो गया हो, नहीं तो यहाँ पे धूल मिट्टी जम गया हो, तो उसको आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, कोई सा भी पिन लीजिए, इसको धूल मिट्टी ऐसे साफ कीजिए, नहीं तो ऐसे ईयर बार लेके आपको क्या करना है, नेल पॉलिश रिमूवर थोड़ा बचा हुआ है तो इसको डालिए, डालने के बाद इसे साफ कीजिए, नहीं तो वो पिन में आपको ऐसे कॉटन डाल के ऐसे खुद का मतलब थोड़ा ये थोड़ा मोटा है ना, थोड़ा पतला सा ऐसे ईयर बार जैसे बनाना पड़ेगा, तो आपको ऐसे क्लीन करना पड़ेगा, उसको उसके बाद डाल दीजिए देन एंड इसमें चार्ज ले लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दोनों में किसी एक में या दोनों में आवाज़ नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट कैसे करेंगे, ये दोनों यहाँ पे टू बटन्स है, देखिए ये टू बटन्स एंड यू कैन सी कि आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रहा है एंड यहाँ पे भी आपको अगर देखो यहाँ पे भी लाइट ब्लिंक कर रहा है, देखो क्या हुआ, अरे बाबा ये देखो लाइट ब्लिंक किया ना, तो ये देखो तो यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रहा था, तो ये देखो तो अभी ये दैट मीन्स ये दोनों में चार्ज है इसमें, तो अभी क्या करना है उसको रीसेट करना पड़ेगा। इसमें एक बटन दिया गया है, इसमें एक बटन दिया गया है, कोई सा भी बोट का ईयर डॉक इट विल वर्क, तो ये दोनों बटन को आपको 20 सेकेंड तक प्रेस करना है, 20 सेकेंड नहीं तो यहाँ पे लाइट ब्लिंक करेगा, देन उस वक्त तक बेटर यू कैन प्रेस इट फॉर 20 सेकेंड, तो आपको इसे प्रेस लॉन्ग प्रेस करके रखना है, हो गया। उसके बाद फिर से दैट मीन्स 20 सेकेंड कर लिया मतलब रीसेट हो गया, देन इसको यहाँ पे डालो, इसमें डालो, डालने के बाद रखो रात भर, देन देखना सुबह गुड न्यूज़, इट विल बोट विल वर्क, नहीं तो जिसका भी प्रॉब्लम था वो काम करेगा। मान लो नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगर ये दोनों प्रेस किया रख भी दिया तब भी नहीं काम कर रहा है, दैट मीन्स आप किसी जो में इसमें मे भी यहाँ पे चार्ज नहीं हो सकता है, ठीक है, आपका रीसेट का जरूरी नहीं था, इसमें चार्जिंग ये दोनों में चार्ज नहीं है, इसमें चार्ज है पर ये दोनों में चार्ज नहीं है, तो उसका मालूम कैसे पड़ेगा आपको, यहाँ पे ये ब्लिंक हुआ कि नहीं हुआ आपको देखना है, तो जब भी आप प्रेस करेंगे ना तब आपको मतलब ऐसे यहाँ पे यू हैव टू लुक कि यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है दैट मीन्स आपका जो है बैटरी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे चार्ज नहीं है, देन आपको इसमें चार्जिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, ये हेयर रिमूवर फिर से आपको ये नेल पॉलिश रिमूवर आपको यूज़ करना है, इसमें डालना है, देन यहाँ पे टू पिंस यू कैन सी टू पिंस दो पिन है एंड यहाँ पे भी आपका टू पिंस है, देखिए 2 to 4 हर एक में दो, एक दूसरे में दो, तो ये दोनों में टू पिंस है, तो आपको इसको क्लीन करना पड़ेगा वो हेयर नेल पॉलिश रिमूवर एंड ये ऐसे घुमा घुमा के आपको साफ करना पड़ेगा, देन इसमें भी सेम थिंग आपको डालना है, डालने के बाद घुमा घुमा के साफ करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रख दो, मतलब कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था इसलिए वो चार्ज नहीं ले रहा था, दो देन देखना कि दोनों में चार्ज आ गया, अगर सुनाई देता है देन ओके, अगर सुनाई नहीं देता है चार्ज होने के बाद तब आपको रीसेट करना है, दैट मीन्स हो गया। अगर उसके बाद भी नहीं काम करता है देन अगर वारंटी पीरियड में है देन यू कैन कॉन्टैक्ट कस्टमर केयर, एंड ये मेरा प्रॉब्लम कल हुआ था तो इसलिए मैंने देखा एंड सॉल्व कर दिया, अभी बोट इज वॉकिंग। यस, थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब, बाय बाय।